हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूं, जो कि है एक्ने पिंपल्स, या फिर हिंदी में हम इसे मुहासे भी कहते हैं। इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूं, साथ ही साथ इसकी होम्योपैथी की अचूक मेडिसिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी चाहते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए या हमारी स्किन पर एटलीस्ट किसी भी तरीके का पिंपल का स्पॉट ना पड़े, तो हम देखेंगे कि बिन बुलाए जो मेहमान होते हैं यानी कि जो पिंपल होते हैं वो अपने आप आने लगते हैं। बहुत बार तो हम समझ नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम आखिर हो क्यों रही है, लेकिन इसके कुछ कॉजेज होते हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये पिम्पल्स होती क्यों है। दोस्तों, हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी सारे यानी कि 7 लेयर्स से कवर होती है। साथ ही साथ सीबीसीएस ग्लैंड जो होता है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन पर प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि हमारी जो स्किन होती है वो अच्छे से जब खुल नहीं पाती है, हम उसे क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो जो ऑयल होती है वो जमते जाती है और धीरे धीरे आप देखेंगे वहाँ पे एक छोटे छोटे दाने जैसा आकार जो है हमारी स्किन पर उभरने लगेगा। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी स्किन होती है वो ऑयली काफ़ी ज़्यादा होती है, उस वजह से भी हमारी स्किन पर पिंपल आने की समस्या होती है। और भी बहुत सारे इसके कारण हैं, जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम भी इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारे लोगों को पिंपल होने की समस्या होती है, या फिर अगर आप स्ट्रेस काफी ज्यादा लेती हैं या अगर लेते हैं तो उस वजह से भी आपको पिंपल होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो रहे पिंपल होने के कारण क्या होते हैं, तो अब बात करते हैं यहाँ पे पिंपल से आपको निपटना कैसे है। तो मैं यहाँ पे होम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन शेयर करने वाली हूँ, साथ ही साथ एक ऑइंटमेंट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कैलिब्रोमेटम। मैं इसकी पिक्चर या स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, अच्छे से देख लीजिएगा, काफी बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आप गर्ल्स हैं तो ही कैलिब्रोमेटम मेडिसिन आपके लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। अगर आप मेल हैं यानी कि अगर आप लड़का है और आपको गुलाबी मुहासे की समस्या हो रही है, पिंपल की समस्या हो रही है, तो आपको कैलिब्रोमेटम नहीं लेना है, आपको लेना है कैल्किरिया पिक्रेटा 200। मैं उसकी भी पिक्चर लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग मेडिसिन बताई है। अगर आप लड़का है तो आपको कैल्किरिया पिक्रेटा लेना है, अगर आप लड़की है तो आपको कैलिब्रोमेटम 200 लेना है। तो आपको इस मेडिसिन को 4-4 ड्रॉप करके दिन में 3 बार लेना है, और ठीक इसी तरीके से अगर आप मेल हैं यानी कि अगर आप लड़का है तो 4-4 ड्रॉप करके आपको कैल्किरिया पिक्रेटा की जो डोज है वो दिन में 3-4 बार लेनी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन होम्योपैथिक क्रीम के बारे में, जो कि एक्वी प्लस की क्रीम, मैंने इसका सेपरेट वीडियो भी बनाया है। मैं जो क्रीम है काफ़ी बेहतरीन है, एक्वी प्लस क्रीम, एक्वी प्लस ऑइंटमेंट काफ़ी बेहतरीन है। आपको इसे दिन में 2 बार अप्लाई करना होगा, एक बार आप इसे सुबह अप्लाई कर लीजिएगा और एक बार आपको इसे रात में अप्लाई करना होगा। ओवरनाइट आप अपनी स्किन पर रखिएगा, काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव भरे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी छोटी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा ना जाए और वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंदी ना रहे, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।